मेरा नाम नंद किशोर चौधरी है और मैं जयपुर कंपनी का फाउंडर हूं। मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद में आज के 43 साल पहले अपने करियर की शुरुआत एक दुकान से की थी जो मेरे पिताजी चूरू शहर में चलाते थे। ब्रांडेड शूज की दुकान थी, लेकिन सेल्समैनशिप में मेरा मन नहीं लगता था। और इस दौरान मुझे एक सरकारी बैंक में कैशियर की नौकरी मिली। मैंने उस नौकरी को ज्वाइन नहीं किया और बैंक को धन्यवाद का पत्र लिखा कि आपने इस लायक समझा। फिर मैंने अपना डीप इंट्रोस्पेक्शन शुरू किया, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा पैशन क्या है, मेरी नेचुरल एबिलिटी कैपेबिलिटी क्या है। तो मुझे समझ में आया मैं एक पीपल पर्सन हूँ, नेचर में समय गुजारना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उस वक्त इंडिया में कारपेट की एक्सपोर्ट में बहुत गहरी मांग थी और कारपेट गांव में बनता था, तो मैंने सोचा मैं इसी धंधे से अपने जीवन की शुरुआत करूं और तो मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा जिनको कोई नहीं पूछता। तो फिर मैंने अपने पिता से 5000 रुपये का लोन लेकर 2 नोमे खरीदी और एक पुरानी साइकिल खरीदी और अपने करियर की मैंने शुरुआत की। 9 साल तक आई वर्क एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर। एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में मैं 9 साल तक मैंने जॉब वर्क किया। उसके बाद में मैंने अपने भाई के साथ मिलके एक एक्सपोर्ट कंपनी बनाई। फिर मैं 3 साल जयपुर में रहा। उसके बाद मैं 8 साल तक गुजरात में रहा, जहां पर मैंने करीब 15,000 ट्राइबल लोगों को काम सिखाया। 99 में मैं अपने भाई से अलग होके मैंने जयपुर कंपनी की शुरुआत बिल्कुल जीरो से की। और जब जयपुर कंपनी की शुरुआत मैंने की तो 3 साल में मुझे इतनी सारी समस्याएं आई कि मैंने जो पैसा कमाया था वो ज़्यादातर खो दिया। और तब मैंने सोचना शुरू किया कि व्हाट वेंट रॉन्ग। तो मुझे अपनी फेलियर का कारण समझ में आया कि कारपेट बनाने में मेरा जो नाम हो चुका था, तो मेरे अंदर फाल्स फीलिंग ऑफ गुडनेस आ गई एंड गुड इज द एनिमी ऑफ बेस्ट। और इंटरनेट पे सर्च किया तो पता चला ये एक मानसिक बीमारी होती है जिसका नाम यूफोरिया है। फिर मुझे जल्दी समझ में आ गया कि अब मुझे एक ग्लोबल बिजनेस चलाना है तो मुझे नई स्किल सीखनी पड़ेगी, अपने परसेप्शन को चेंज करना पड़ेगा, अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा। तो उसके बाद में मेरी सीखने की यात्रा शुरू हुई जो आज भी मेरी काफ़ी अच्छे लेवल पर चल रही है। 2014 में हमने मनचाहा प्रोजेक्ट की शुरुआत की। मनचाहा प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि आप अपने व्यूअरों को, हमने बोला कि आप अपने खुद के डिज़ाइन के कारपेट बनाइए, क्योंकि ज़्यादातर जितने डिजाइन्स बनते हैं व्यूअर को एक मैप दिया जाता है, उसको देख के वो बनाते हैं। तो मेरी बेटी कविता जब मेरे साथ गाँव में जाती थी तो बोलती थी कि पापा इसमें कुछ महिलाएं तो मेरे से भी ज़्यादा क्रिएटिव है। तो उसने कुछ महिलाओं को चुना और उनको फ्रीडम दी कि आप अपने मनपसंद डिजाइन बनाइए और मनपसंद कलर भी उसके साथ प्ले कीजिए। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि उनके बनाए हुए डिजाइन्स को 9 ग्लोबल अवार्ड मिल चुके हैं। 2017 में बिमला देवी, जो कभी प्राइमरी स्कूल नहीं गई, कभी अपने गांव के बाहर भी जाके उसको दुनिया नहीं देखी, वो जर्मनी अपने डिजाइन का खुद अवार्ड लेने के लिए बेटी के साथ जर्मनी गई और वहां से वो अवार्ड लेके आई। जयपुर के इस बिजनेस मॉडल से लोगों के जीवन में जो बदलाव आया है, उनकी इनकम बहुत अच्छी हो गई है। एक वुमेन को घर बैठे सारा रॉ मटेरियल मिलता है, वहीं से हम कारपेट लेके आते हैं, वहीं सारा पेमेंट होता है, वही सारी उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। तो एक वुमेन को अपने घर के बाहर आने की जरूरत नहीं होती और उनकी जो इनकम है वो इनकम इस लेवल पे चली गई और उनकी डिग्निटी इस लेवल पे चली गई कि जो पहले जो महिलाएं थी जिनको ये समझा जाता था कि घर में जो डिसीजन करेगा वो पुरुष करेगा,
आज ये सारी महिलाओं के पास इतना पावर आ गया कि अपने घर के सारे डिसीजन ये महिलाएं करती है। कितनी सारी महिलाओं ने ये निर्णय किया कि हम लोग घूंघट नहीं निकालेंगे और हमारी बेटियां भी उस परिवार में नहीं देंगे जिस परिवार में उनको घूंघट निकालने के लिए बोला जाएगा। और आज ये हमारे व्यूवर्स कितने हैं जो एक ग्लोबल फिगर बन चुके हैं, कितनी बड़ी बड़ी ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेज में इनको बोलने के लिए बुलाया जाता है। तो ये 2004 की बात है जब हमारे भाई साहब जो नंदकिशोर चौधरी जी गांव में कारपेट वीविंग चलती थी उसको देखने के लोगों पे आते थे, तो मैं लोम पे वीविंग कर रहा था। वो टाइम गर्मियों का टाइम था तो मेरी लोम के पास आके बैठे। उस टाइम पे घर की गरीबी बहुत ज़्यादा थी, मेरे पास एक ही बनियान था। तो मैं उस बनियान को 3 दिन बाद में जो थोड़ा लास्ट वाले दिन नंदकिशोर जी भाई साहब ने मेरे पास पट्टी पे बैठे और बोले कि आप जयपुर एक्स में काम कर लो। मेरे मन में ख्याल आया कि अपने काम को छुड़ाने के लिए कोई आया है तो अपने काम को छीनने के लिए आए, क्योंकि इतने बड़े कंपनी के मालिक अपने पास कैसे आके बात करेंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है देखते हैं कर लेंगे हम। तो इतनी बात कह के वो निकल गई। फिर कोई कंपनी का आदमी मेरे को लेने के लिए वहाँ पे आया, उन्होंने जयपुर एक्स लेके कंपनी दिखाई मेरे को। भाई साहब ने मेरे कंधे पे हाथ रख के पूरी जयपुर एक्स कंपनी में घुमाई और बोले कि अब आप काम करो। मेरे को मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा हुई कि अपने एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं बोला कि भाई साहब सब व्यूवर्स मेरे से सीनियर है, मैं तो जूनियर हूँ, मैं कैसे काम कर पाऊँगा उनके साथ। तो उन्होंने बोला कि सच्चे आदमी को, ईमानदार आदमी को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, आप तो उनसे जाके मिलो, उनसे बातचीत करो। तो ऐसे करते करते 1 महीने में व्यूवर्स के पास जाना, उनसे बातचीत करना, तो 2 लूमें स्टार्ट हुई उदयपुरिया में। तो उन्होंने बोला कि एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया अर्फूल कि आज तक किसी ने नहीं कर पाया। फिर ऐसे करते करते 6 महीने में 79 लूमें। मेरा नाम दापली है और 20 साल से काम कर रही हूँ और आज मैं जो मनचाया के वार्ड मिला है ना उसके बारे में बताने वाली हूँ। पहले मेरा गलीचाया है ना, मनचाया गलीचाया है ना, तो मेरे को बहुत डर लग रहा है, तो मैं कैसे पढ़ाऊँगी, मैं कभी पढ़ा ही नहीं, कभी आया ही नहीं मेरे पास। तो मेरे पहला गलीचा ये है तो इसके मायने में देख देख के मेरे को मनचाएगा। तो मैं बहुत सारी डिजाइन देखी, लुगड़ी की डिजाइन देखी, जिसने भी जो भी चीज़ देखी है ना जैसी डिजाइन में बनाई। और बाद में ऐसे बाद में तो खूब सारे काफ़ी सारे बन गया, तो मेरे को पता भी नहीं मैं किन कौन सा बनाई, क्या क्या सोची, क्या क्या देखी। और ये मेरा बाद में इज्वल है, तो इज्वल का बारे में भी मेरे को बहुत जानकारी है। मैं बहुत सारी चीज़ें बनाई के मायने मेरे को आगे जाने को भी बहुत मौका मिला। तो आगे मेरे को बहुत जगह जा गई इसकी वजह से, मैं दिल्ली और बम्बई और जैसे भी गांव जयपुर छोटे मोटे गांव। ये मनचाहे गलीचा मेरे को कारपेट बहुत पसंद है, ये शाहरुख खान और गोरु खान के पसंद है। तो मेरे को ऐसा बोला कि जो गार्डन में होता है ना हरे हरी धूप पर ऐसे होती है जैसे बनाना, तो इसमें सारे एक ही कलर का डिजाइन अलग अलग गेरा और कलर एक ही भरा। इसके बारे में तो मेरे को गोरु खान है ना तो बम्बई बुलाया था, मेरे को जाने को टाइम नहीं मिला, तो वे दूसरे गांव से गए। लॉकडाउन में ना मैंने 18,000 रुपये कमाया, 18,000 रुपये कमाया ना वापस सीजन में, जो पढ़ाई तो बंद हो गई थी ना, फिर सब बोले ऑनलाइन पढ़ाई चलेगी। तो मैंने फ़ोन लेके आए और परचुनी का सामान है ना छोटा मोटा, वो सामान लेके आए हमने, अरे क्यों तो बिक जाएगा और क्यों हम खा लेंगे, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर एक लॉकडाउन, फिर दूध लेने के लिए तो जाना ही पड़ता था ना, और सब कुछ तो लेके आएगी। तो फिर बकरी भी लॉकडाउन में लेके आए हमने, दूध के लिए भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जो हर काम हमारा घर पे ही है और हम किसी चीज से परेशान नहीं हुए।
और एक कारपेट बनाया ना मैंने मनमर्जी का, लॉकडाउन में बनाया था मनमर्जी का ना, उसमें 5 कप बनाए थे, 5 कप भी बनाए थे और स्टार बनाया था और एक रोड बनाया था, वो क्या नाम लेरियो बनाया था, चाय डिजाइन बनाया था वहाँ, पहले ही सब मेरे को लीजिए, फिर भी अच्छे बने थे मेरे, 5 कप बनाए थे, मेरे 5 बच्चे हैं ना इसलिए बनाए, झगड़ा नहीं होना चाहिए 5 बच्चे। मेरे को तकरीबन 5-6 साल की करीब जेल में हो गए, जेल खाना में तो वक्त गुजारना काफी मुश्किल काम है, दिमाग थोड़ा ऐसा ही रहता है यहाँ पर, तो जेल खाने में जो बच्चे बाहर हैं काफी दिक्कत है थोड़ी, गुस्सा आता था, क्रोध आता था, जैसे गलीचे में काम करने लगे तो सब उनको भूल गए, धीरे धीरे छूटेंगे जैसे छूटेंगे, जेल के अंदर आ गए, अब तो सुख शांति काम संभालो अच्छी बात। अपने मन चाहे जो बनाते हैं उसके अंदर मतलब दिल खोल के बना सकते हैं कि अपन को क्या चीज बनाती है, वो किसी का दबाव नहीं होता, बिना दबाव में अपने जो दिमाग में आता है वही चीज जो अच्छी लगती है वही बनाते हैं। कर रहे हैं हम जेल में भी कुछ काम कर रहे हैं, एक दिन सबको जाना है बाहर, तो जयपुर का जो फर्दर जो विजन है वो है कि ईच एंड एवरी आर्टिजन ऑफ जयपुर रग विल बी कन्वर्टेड इनटू द आर्टिस्ट एंड ईच एंड एवरी आर्टिस्ट विल बी कनेक्टेड विद द वर्ल्ड ऑफ डिजाइन, क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो कारपेट के वीवर थे उनको ये माना जाता था कि वो एक तरह से मजदूरी करते हैं, अब जबकि वो एक आर्टिस्ट है, तो अब फ्यूचर विजन में हम डायरेक्ट इनको एंड कंज्यूमर से जोड़ के एक को क्रिएशन करेंगे।